पीछे से कोई लिपस्टिक निकालती हूँ तो आगे वाली सारी गिर जाती है, तो मुझे ये काफी टाइम से चाहिए। जब भी कोई लड़की शादी करती है ना, आई थिंक सबसे पहले वो यही लेते हैं, सत्संग की वाली बात हो जाती है। मतलब आप जब कॉर्नर में रखो ना, तो मुझे ऐसा लगता है फिट आना चाहिए कॉर्नर में। चीजें भी ऑब्वियसली ज्यादा रखने को मिल जाएगी। मेरे गले हो क्या हो गया? आई फेल्ट सो लकी। मतलब यार उनको पता था कि मुझे पिंक कलर पसंद है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कशिका, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी वे एवर यू आर। आई एम रियली सॉरी फॉर माय वॉइस, मुझे अभी कोल्ड हो गया था ना, इसलिए मेरी आवाज़ आपको हल्की सी अजीब लग रही होगी। बट आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जिनको भी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ज़्यादा कीड़ा है ना, मतलब घर में चीज़ों को एकदम सॉर्टेड करके रखना है, स्टोर करना है तो काफ़ी अच्छे से रखना है, ट्रैवल करना है तो काफ़ी सॉर्टेड वे में ट्रैवल करना है, तो ये वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है। बिकॉज आई बी फीचरिंग सम रियली नाइस ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट्स फ्रॉम अमेजोन, और ये परफेक्ट टाइम है बिकॉज अमेजोन की स्टार्ट हो चुकी है प्राइम डे सेल। 23 एंड 24 जुलाई इनकी प्राइम डे सेल होने वाली है, सो ये परफेक्ट टाइम पे वीडियो आ रही है। आप अभी इनको चेक करोगे ना, तो ये बहुत अच्छी डील पर आपको बहुत सारे सामान मिल जाएंगे, तो आपके थोड़े से पैसे बच जाएंगे, विच आई ऑलवेज वॉन्ट कि आपकी बचत हो, और मैं आपको अच्छे अच्छे रिकमेंडेशन लेके आऊँ। प्लीज मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन एज वेल। एंड नाउ Let's start with beauty organization category first and then we'll move on to fashion and other stuff. तो सबसे पहले जो मैंने पिकअप किया है वो है ये मेकअप किट, जो मुझे बहुत टाइम से चाहिए थी, मेरी अमेजोन की विश लिस्ट में थी। उसमें मैंने पिकअप किया है ये पिंक डायमंड का थोड़ा सा कॉस्मिक वाला प्रिंट, जिसमें ऐसे होलोग्राफिक आपको लाइन्स दिखेंगी। सो ये बेसिकली विद हैंडल आता है एंड वी हैव जिप्स, टू जिप है, और सबसे बेस्ट बात जो मुझे इसकी लगी ना वो है पार्टीशन। दिस आउट लुक्स लाइक फ्रॉम इनसाइड, यहाँ पर आपको बहुत सारे पार्टीशन दिखते हैं विच आर रिमूवेबल। मतलब सबसे बेस्ट बात इसकी किट की मुझे यही लगी, ये रिमूवेबल है और इनको पार्टीशन को मैं कम कर सकती हूँ, ज्यादा कर सकती हूँ, मुझे जिस हिसाब से जो रखना होगा मैं उस हिसाब से पार्टीशनिंग कर सकती हूँ, एंड देन आई कैन इंसर्ट इट अगेन। सो ये आपको पूरा एक एरिया मिलता है, फिर आपको ये वाला एक एरिया मिलता है जहाँ पर ये वेलक्रो जैसा है। सो जब आप इसको खोलोगे, यहाँ पर भी आप इसके अंदर सामान डाल सकते हो, यहाँ पर आप अपने ब्रशेस, पेन या जो भी डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। फिर आपको यहाँ पे एक जिप मिलती है, इस जिप के अंदर आप यहाँ पे आई शेडो पैलेट या कुछ भी शीट मास्क या कुछ भी ऐसे अपना रखना हो आप वो रख सकते हो, एंड देन यू कैन क्लोज इट एज वेल। तो आपके ब्रशेस भी काफ़ी क्लीन रहते हैं, जो मुझे सबसे अच्छा इसका फीचर लगा। जब हम ट्रैवल करते हैं ना, हमारे ब्रशेस मिक्सअप हो जाते हैं, फिर वो डस्ट कैच कर लेते हैं, फिर अगेन बैक गियर बिल्डअप होता है, एक्ने हो जाता है। यहाँ पर अगर मैं ब्रशेस लगाऊंगी ना, तो वो अच्छे से इससे कवर हो जाएंगे, सो दैट जब मैं बंद करूंगी वो कहीं ना कहीं टच नहीं होंगे, कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे। आई लव्ड इट, काफ़ी स्टर्डी और टाइट है, तो इसके अंदर अगर मैं कांच की बॉटल या फिर मेकअप प्रोडक्ट्स भी डालूंगी तो वो खराब नहीं होगा, गिरेगा नहीं, मतलब टूटने का कम चांसेस होगा, बिकॉज ये काफी स्टर्डी है। साइज मुझे इसका एकदम परफेक्ट लगा, आपके कोई भी ट्रैवल बैग में आ जाएगा। प्रिंट्स अगेन एज अ सेट, बहुत सारे इसमें प्रिंट्स है, ब्लैक, मार्बल, व्हाइट, पोलका डॉट, फ्लेमिंगो, नियॉन कलर्स, जेब्रा प्रिंट, सॉलिड कलर्स, तो ये वाले सेलर के पास काफी अच्छे कलर्स अवेलेबल थे, सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। प्राइस पॉइंट के हिसाब से आई रियली लाइक द क्वालिटी, बिकॉज इसकी जिपर भी काफी अच्छी क्वालिटी है। काफी बार हम लोकल वाली किट्स लेते हैं, उनकी जिप बड़ी गंदी क्वालिटी की आती है, बट आई लाइक इट, आई थिंक ओवरऑल इट इज वर्थ द प्राइस। नाउ दिस इज लाइक अ प्रॉपर बड़ी स्पेशियस मेकअप किट, लेकिन अगर आप दो तीन चीजें लेके जाना चाहते हो तो मैं एक और ऑप्शन आपको दे रही हूँ फॉर ऑर्गेनाइजिंग योर मेकअप एंड स्किन केयर स्टफ, जो है ये पाउच। ये काफी अच्छा नायलॉन पॉलिएस्टर समथिंग मटेरियल का पाउच है, फ्लेमिंगो प्रिंट का है, और दिस इज आउट लुक्स लाइक फ्रॉम इनसाइड। ये मैंने ऑलरेडी फीचर किया हुआ है, मैं जब लास्ट मंथ अपने बर्थडे पर ट्रिप पे गई थी, मैं यही लेकर गई थी। आई लव द फैक्ट इसमें यहाँ पे ना वायर्स है, ये चारों तरफ यहाँ पे वायर है, तो ऐसे खुल के लॉक हो जाता है, स्टर्डी हो जाता है, सो मैं इजिली कुछ भी यहाँ पर ढूंढ सकती हूँ। आपको दोनों साइड ऐसे कंपार्टमेंट्स मिल रहे हैं, आप कुछ भी यहाँ पर रख सकते हो। इसका अंदर का एरिया भी काफी अच्छा है, ढूंढना काफी आसान हो जाता है, और फिर आप इसको बंद करके भी रख सकते हो। कपड़े का नहीं है, तो अगर आप वॉश बेसिन के साइड पर या फिर कहीं भी वॉशरूम में भी रखोगे ना, गीला होगा तो फटाफट साफ भी हो जाएगा, बिकॉज इसका एकदम पॉलिएस्टर वाला मटेरियल है। प्रिंट इसका काफी क्यूट है, एकदम फ्लेमिंगो वाला प्रिंट है। बाय द वे इस वाली किट में भी फ्लेमिंगो प्रिंट आता है, लेकिन इसमें मैंने ये वाला लिया है। अगर आप छोटा देख रहे हो, यू कैन ग्रैब दिस। मैं आपको सारी वैरायटी ऑफर कर दूंगी, सो दैट एक ही वीडियो में आपको हर चीज देखने को मिल जाए। नेक्स्ट आई पिक्ड अप अनदर थिंग स्पेशली फॉर ट्रैवलिंग, बिकॉज ट्रैवलिंग के टाइम जो आप वॉशरूम में थोड़ा सा स्किन केयर करते हो, जो भी आपको चीजें यूज करनी होती है, आपको सब कुछ ऐसे रखना पड़ता है, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मुझे ये कंसेप्ट काफी अच्छा लगा। यही मैंने एक YouTube की शॉर्ट्स वीडियो में देखा था, जैसे हैक्स वगैरह सजेशन देते ना, मैंने उसमें देखा था, और इसमें इन्होंने Amazon पर लिखा हुआ था कि मल्टी कलर है, तो आपको कोई भी कलर रिसीव हो सकता है। वैसे Amazon पे जो कलर दिख रहा था वो ग्रीन था, यू कैन सी ग्रीन कलर का है, लेकिन मुझे पिंक कलर रिसीव हुआ है। फेल्ट सो लकी, मतलब यार उनको पता था कि मुझे पिंक कलर पसंद है। सो ये बेसिकली क्या है, ये प्रॉपर ऐसे खुल जाता है, साइड का पूरा ऐसे खुल जाता है, एंड देन इट बिकम्स लाइक दिस, और यहाँ पे आपको एक हैंगर मिलता है जिससे आप ऐसे हैंग कर सकते हो। सो आप सारा सामान लाइक यहाँ पर आप साइड में अपना टूथब्रश डाल सकते हो, इस साइड आप अगर कोई भी ब्रश या कुछ भी एक्स्ट्रा डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। मैं इमेज इंसर्ट करूंगी जो अमेजोन की, आप रेफरेंस में देख सकते हो कि कैसे आप चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। आई रियली लाइक इट, अगर आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो ना, आप लिटरली इसको लेके जा सकते हो, कॉटन पैड्स, क्यू टिप्स, जो भी आपका शैम्पू कंडीशनर हो, फिर आप जब वहाँ पे बाथ लेते हो, थोड़ा
बहुत रेडी होते हो, स्किन केयर करते हो, पूरा इसको ऐसे हैंग करके आप रख सकते हो, आप पूरा यूज करो और फिर आप इसको लॉक करके पूरा ऐसे लॉक हो जाता है। तो पूरा जिप होके ये कुछ इस तरह से दिखता है, थोड़ा सा लंच बॉक्स वाली फील दे रहा है, बट आई थिंक इट इज अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग। आप कहीं पर भी होटल्स में जाओ, इधर उधर ट्रैवल करो, कैंपिंग वगैरह करते हो, तो इधर उधर सामान रखने से अच्छा पूरा ही ले जाओ वॉशरूम में, इसको हैंग कर दो, जो जो यूज करना है यूज करो और फिर ऐसे बंद करके रख दो। सो आई रियली लाइक इट, आई थिंक एक ऐसा बेसिक एसेंशियल होना चाहिए। और इसमें साइड पे ना, इस साइड तो नहीं है, इस साइड आपको एक और पॉकेट मिलती है जहां पर आप टिश्यूज या वैसे भी रख सकते हो, जो बाहर की साइड है रीचेबल। ओवरऑल आई लाइक इट, आई थिंक पिंक कलर रिसीव हुआ है तो मुझे और अच्छा लग रहा है, क्वालिटी भी अच्छी है, जिप्स अच्छी है, कंपार्टमेंट्स अच्छी है। सो अगेन अ थम्स अप। नेक्स्ट अप इज समथिंग फॉर योर मेकअप वैरायटी। मैं बहुत लोगों के एस्थेटिक वाले स्टूडियो टूर्स में देख चुकी हूँ, मेरा भी काफी टाइम से लेने का मन था, बिकॉज मेरा ड्रेसिंग टेबल एक तो बहुत ओल्ड स्टाइल का है, छोटा है, वो भर चुका है, लिपस्टिक इतनी ज्यादा हो चुकी है, वो सारी गिरती रहती है एक दूसरे के ऊपर, मैं पीछे से कोई लिपस्टिक निकालती हूँ तो आगे वाली सारी गिर जाती है, तो मुझे ये काफी टाइम से चाहिए था। अमेजोन पर एकदम मस्त डील पर मिल गया, प्रॉपर ऐसे पैक होके आया है, मैंने पूरा खोल के चेक कर लिया था, बिकॉज जब तक वीडियो बनती है रिटर्न डेट चली जाती है तो मैं हर चीज चेक कर लेती हूँ, मैं रैप पैक कर देती हूँ। सो दिस आवर इट लुक्स लाइक, काफी अच्छा क्लासी लगता है, इसका ऐसा कुछ ब्लूइश सा टेंट आ रहा है, आई थिंक लाइट की वजह से आ रहा है, वैसे ऐसे ट्रांसपेरेंट होता है ये। सो इसके कंपार्टमेंट्स भी अच्छे हैं, कोई भी ब्रॉड से ब्रॉड लिपस्टिक, स्क्वायर शेप की, राउंड शेप की सारी लिपस्टिक्स रख सकते हो और आप इजिली इनको फिर स्पॉट भी कर सकते हो अगर आपको पूरा निकाल कर देखना है। काफी बार होता है ना, आपको लाइट में जाके देखना है कौन सा शेप चाहिए, इजी टू पिक होता है, मैं पीछे से कोई उठाऊंगी तो आगे वाली नहीं गिरेंगी। अब मुझे लग रहा है मुझे इसका पैक ऑफ टू लेना चाहिए था, बिकॉज अब मैंने नोटिस किया बाद में, सो ये इनोवेरा 24 कंपार्टमेंट का मेकअप लिपस्टिक स्टोरेज है, ये मुझे 251 रुपीज का मिला है और सेम सेलर पैक ऑफ टू दे रहा है 369 रुपीज का, तो आई थिंक कैलकुलेशन के हिसाब से पैक ऑफ टू लेती तो ज्यादा बेटर डील रहती, बिकॉज अब अगर एक और लूंगी तो अगेन डबल प्राइस का मुझे वो पड़ जाएगा। बट अगर आप लेना चाहते हो आई वुड से डायरेक्टली पैक ऑफ टू ले लो, बिकॉज काम आते हैं आजकल तो लड़कियों के पास इतनी सारी लिपस्टिक होती है, जगह नहीं होती रखने की, इसमें लिपस्टिक ही आ सकती है बिकॉज कंपार्टमेंट इतना बड़ा नहीं है, कंपार्टमेंट का इतना साइज है ना, आप लिपस्टिक्स कंसीलर्स आए ज्यादा जो स्टिक फाउंडेशन होते हैं पतले वाले वही रख सकते हो, ज्यादा ब्रॉड वाला स्टफ नहीं रख सकते। सो ओवरऑल आई रियली लाइक्ड इट, आई थिंक 250 रुपए के हिसाब से द क्वालिटी इज नॉट बैड। नाउ मूविंग ऑन टू क्लोथिंग स्टोरेज कैटेगरी, मैंने बहुत सारी चीजें ऑर्डर करी है जिसमें आप अलग अलग तरीके से अपने क्लोथ्स को स्टोर करके रख सकते हो। सबसे पहले मैंने ऑर्गेनाइजर ऑर्डर किया फॉर योर इनर वेयर, ये लिनन मटेरियल समथिंग का एक ऑर्गेनाइजर है जो दिखता है कुछ इस तरह से, ये पूरा ऐसे फोल्ड होके आया था, सो ऐसे आप खोल सकते हो। सो ये बेसिकली इनर वेयर ऑर्गेनाइजर है, यहाँ पर आप अपनी पैंटीज डाल सकते हो या फिर अगर आप फॉर मेन ले रहे हो आप सॉक्सेस भी डाल सकते हो, जो बहुत स्पेसिफिक है अपनी सॉक्सेस के लिए कि वो अच्छे से रखी रहे। काफी लोगों को थोड़ा होता है ना ऑर्गेनाइजेशन का कीड़ा होता है, तो उनके लिए भी काफी अच्छा है। आपको ये जो साइड का एरिया मिलता है ये भी काफी अच्छा वाइड एरिया है, यहाँ पर आप अपनी ब्रा इंसर्ट कर सकते हो या जो भी आपको कुछ और रखना हो आप वो भी चीजें रख सकते हो, और ये पूरा ऐसे कवर हो जाता है। एंड देन वी हैव अ वेलक्रो टाइप ऑफ थिंग, मैं यहाँ पे इमेज डाल दूंगी रेफरेंस के लिए, और उसी के साथ ये फोल्डेबल कार्डबोर्ड है, जो आप स्टोर करके रख बेसिकली इसके नीचे इंसर्ट कर सकते हो। तो इसको पूरा खोल के मैं इसके नीचे ऐसे यहाँ पे कार्डबोर्ड जब इंसर्ट करूंगी ना वो इसके ऐसे नीचे पीछे बेस पे चला जाएगा और फिर उसको काफी अच्छा एक लॉक सिस्टम बना देगा, तो उसके हिसाब से ये अच्छा लॉक भी रहेगा, इसकी शेप इंटैक्ट रहेगी और लिनन वाला ऐसे टेक्सचर प्रिंट आप पास से देख सकते हो, सो इट हैज दिस टेक्सचर काइंड ऑफ थिंग। वाइल इसमें और भी प्रिंट्स अवेलेबल है, अगर आप बच्चों के लिए देख रहे हो पाउडर ब्लू ग्रे कलर है, देन इसमें किड्स के लिए भी प्रिंट है जो बच्चों के लिए थोड़े से प्रिंट आते हैं, तो अपने बच्चों के भी थोड़ी थोड़ी टॉप्स टीज भी ऐसे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो, सो आई एम नॉट बैड। नेक्स्ट अप इज अगेन अ क्लॉथ स्टोरेज काइंड ऑफ थिंग, लेकिन इसमें आपको अलग अलग कंपार्टमेंट्स मिलते हैं और अलग अलग सेपरेटेड है, बेसिकली एक जैसे नहीं है। सो आपको बेस मिलता है प्रॉपर और फिर आपको ऐसे बॉक्सेस मिलते हैं, तो ये पहला आपको ऐसा बॉक्स मिला, आप उसमें ऐसे ये बेस को इंसर्ट करोगे, ये हो गया पूरा ऐसे लॉक हो गया और आपका एक प्रॉपर ऐसे बॉक्स बन गया। आप इसमें कपड़े रख सकते हो, बच्चों के टॉयज रख सकते हो, बच्चों के कपड़े वैसे कपड़े रखने हो, अपनी लॉन्ड्री वगैरह रखने हो तो रख सकते हो। सो ये बेसिकली पूरा सेट ऑफ सिक्स है, सबसे पहले आपको इसके दो मिलते हैं, सो ये टू हो चुके हैं। उसके बाद आपको मिलता है ये वाला साइज, थोड़ा सा लंबे में है, इसमें आप सॉक्स कुछ भी डाल सकते हो, अगेन यू गेट दिस बेस काइंड ऑफ थिंग, जो बेस को आप इंसर्ट करते हैं एकदम लॉक हो जाता है, मतलब प्रॉपर ऐसे बॉक्स बन जाता है जो बहुत स्टर्डी लगता है, बिल्कुल भी ऐसे बेंड नहीं होगा, बिकॉज इसका अंदर का लॉकिंग सिस्टम काफी अच्छा है। ऑल्सो इट लुक्स वेरी नीट एंड क्लीन, और कपड़े का है ना तो आप इसमें अपने गैजेट्स वगैरह भी रख सकते हो। आई एम थिंकिंग मैं एक ड्रॉर में इस ये वाला रखूँ फॉर माई हेयर केयर टूल्स, बिकॉज जो प्रेसिंग मशीन होती है, जो टोंग्स होते हैं, जो ड्रायर्स होते हैं, अगर मैं प्लास्टिक उसमें रखूंगी ना तो फिर वो खटखट करते हैं, थोड़े से खराब हो जाते हैं, इसके अंदर रखे रहेंगे ना तो एक अच्छे से क्लॉथ का एक अच्छा उसको बेस मिलेगा। प्लस मैं इसको निकाल के भी
एज अ प्रेसिंग मशीन का बेस यूज कर सकती हूँ, जब वो गर्म होता है तो एटलीस्ट वो किसी प्लास्टिक वगैरह को मेल्ट नहीं करेगा. सो आई रियली लाइक द आइडिया इलेक्ट्रॉनिक वगैरह स्टोर करने के लिए भी. तो एज आई सेड इसके आपको दो पार्ट मिलेंगे, इसके आपको दो पार्ट मिलेंगे, फोर पार्ट हो चुके हैं. और फिर आपको मिलते हैं टीनी टीनी से, जो काफी क्यूट मुझे लगे, ऐसे आपको मिलते हैं दो. सो ये पूरा एक सेट ऑफ सिक्स बन गया है. सेट ऑफ सिक्स कुछ इस तरह से दिखता है, आप देख सकते हो, और कैसे कैसे आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो. अगेन समथिंग वेरी बेसिक, ये भी मैंने एकदम सिंपल एक ऐसा स्किन सॉर्ट ऑफ कलर में लिया है, जिसका कुछ ऐसा टेक्सचर सॉर्ट ऑफ फील होता है. बट मटेरियल काफी अच्छा है, लुक वाइज काफी अच्छा लग रहा है. सो अगेन आपकी अलमारी एकदम सॉर्टेड लगती है ना, तो एकदम दिमाग भी सॉर्टेड रहता है. सो आई डेफिनेटली यूज दैट. नाउ दिस इज मोर लाइक अ ट्रूजो एसेंशियल. जब भी कोई लड़की शादी करती है ना, आई थिंक सबसे पहले वो यही लेते हैं, बिकॉज शादी के टाइम भी बाय लॉट ऑफ साड़ीज एंड कपड़े वगैरह. सो उनको स्टोर करने का काफी ज्यादा झंझट रहता है. तो ये मेरी भाभी ने मुझे सजेस्ट किया था कि ये जरूर लेना, बिकॉज ये अच्छा रहता है स्टोर करने के लिए. सो ये बेसिकली अगेन पैक ऑफ सिक्स है. इसके अंदर बेसिकली एक साड़ी स्टोरेज सॉर्ट ऑफ इसको आप बोल सकते हो, लेकिन आप लहंगा डाल सकते हो, सूट कुछ भी डाल सकते हो. सो ये पूरा ऐसे खुल जाता है बैग, एंड देन इट हैज दिस ट्रांसपेरेंट थिंग जहां से आप देख सकते हो. सो कभी भी आप स्टोर करके रखोगे, आपको बार बार हर चीज निकालने की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज यहाँ से आपको सब कुछ विजिबल होगा. मटेरियल इसका थोड़ा सा पतला है, इतना कोई मोटा मटेरियल नहीं है, बट आई थिंक स्टोरेज पैक के हिसाब से नॉट बैड, बिकॉज मुझे इसको स्टेबली डेली बेसिस पे नहीं यूज करना. मैं इसमें खाली इंसर्ट करूंगी और इसमें से रख दूंगी. इसके बाद इन्होंने बोला है ये ब्लाउज का कवर है, बट मैं ब्लाउज ऐसे सेपरेट तो रखूंगी नहीं. आई विल बी कीपिंग माई स्मॉल स्मॉल कुर्तीज, या फिर जो थोड़े से वर्क वाले हैवी वर्क वाले ब्लाउजेस होते हैं, जो आप थोड़ा सा तमीज से रखना चाहते हो. जब आप अच्छे हैवी वर्क वाले कपड़े लेते हो ना, आप उसको ऐसे कपड़े के बैग में रखोगे ना, तो वो इंटैक्ट भी रहेंगे, वो काले नहीं पड़ते, वो अच्छे रहते हैं, और सीलन भी उसके अंदर नहीं आती. फिर आप इसको इजिली बेड में या कहीं भी स्टोर करके रख सकते हो. प्लस प्लास्टिक होता है ना, तो ईजी टू रिकोगनाइज होता है. थोड़ा सा छोटा है साइज में, लाइक यू कैन सी ये ब्लाउज का है, और ये आपको पूरा एक साड़ी टाइप का कवर मिलता है. सो आप साइज का डिफरेंस देख सकते हो. इसमें आप छोटे वाले सूट भी डालोगे ना, तो काम चल जाएगा. अगेन वी हैव दिस ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ थिंग जहाँ से हम देख सकते हैं. सो यार समथिंग वेरी बेसिक ट्रूसो टाइप का, जो आजकल मैं कलेक्ट कर रही हूँ. एंड इसमें मैंने रेड कलर पिकअप किया है, बिकॉज वाई नॉट सुहागन टाइप का कलर. काफी चीजें मुझे लेनी पड़ती है मेरे घर वालों के कहने पर, आई एम नॉट लाइंग. सो इसमें मैंने पैक ऑफ सिक्स लिया है, ये 299 रुपीज का, विच इज नॉट बैड. आई थिंक लोकल मार्केट में मैं लेने जाऊंगी तो यही प्राइस पड़ेगा. पैक ऑफ 12 अगर आप लोगे तो 849 का मिलेगा. सो अगेन आप जितना पैक ऑफ बढ़ाओगे ना, आपको उतनी अच्छी डील मिलेगी. अगर हम कपड़ों की ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो हम लॉन्ड्री बैग कैसे मिस आउट कर सकते हैं? ये तो मतलब सबसे बड़ा एसेंशियल है, बिकॉज जो गंदे कपड़े होते हैं ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है. घर में इधर उधर रखे रहते हैं और फिर दिखता भी अजीब है. बट आई थिंक इसको मैं लॉन्ड्री बैग से ज्यादा ना अपने पैकेजेस के लिए यूज करने वाली हूँ, बिकॉज काफी बार मेरे अमेजोन के बहुत सारे ब्रांड्स के पैकेजेस आते हैं, मुझे सेग्रीगेट करना होता है कि ये काम मैं अब करने वाली हूँ, ये वाला काम मैं दो हफ्ते बाद शूट करूंगी. तो एटलीस्ट मैं इसमें रख दूंगी ना, तो हर चीज एक जगह कलेक्टिवली रहेगी. प्लस आप टॉयज वगैरह कुछ भी स्टफ टॉयज भी डाल सकते हो. आई रिमेंबर मैं किसी रिलेटिव के घर गई थी, उन्होंने ऐसी लॉन्ड्री बैग में ना बच्चों के स्टफ टॉयज भी डाले हुए थे. तो अगेन काफी मल्टीटास्किंग प्रोडक्ट है. सो ये लॉन्ड्री बैग है बेस्ट सेलर अमेजोन पे. जब मैं सर्च करी थी, मुझे बेस्ट सेलर पे दिखा, अभी भी ये बेस्ट सेलर ही है. ये प्रिटी क्राफ्ट स्टोर का लॉन्ड्री बास्केट, 75 लीटर की कैपेसिटी है. मैंने इसमें पिकअप किया है ये ब्लैक ग्रे कलर. इसमें ब्लू आता है, ब्राउन आता है, नॉर्मल ग्रे आता है, बट मैं ये ब्लैक ग्रे वाला लिया है. सो दिस आउट लुक्स लाइक काफी बड़ा है, मतलब ये अभी वीडियो में फिट नहीं आ रहा है, ये काफी बड़ा लॉन्ड्री बैग है. ऐसे आप उठा भी सकते हो, ऐसे पूरा बंद हो जाता है. और इसका बेस आया अगेन, ये इसका सॉलिड वाला बेस है, जिसको आप यहाँ पे नीचे इंसर्ट करोगे, ये पूरा ऐसे नीचे का लॉक हो जाएगा. मैंने भी इंसर्ट नहीं किया ठीक से, बट आई थिंक यू अंडरस्टूड द असाइनमेंट राइट. सो अगेन समथिंग वेरी बेसिक, काफी अच्छा स्पेशियस है ना, अच्छा भी लग रहा है. उसकी शेप मुझे अच्छी लगी, मुझे वो सर्कुलर वाले लॉन्ड्री बैग ना इतने अच्छे नहीं लगते. अगेन समथिंग वेरी थोड़ा सा संकी वाली बात हो जाती है, मतलब आप जब कॉर्नर में रखो ना, तो मुझे ऐसा लगता है फिट आना चाहिए कॉर्नर में, ऐसे पूरी वॉल पे वो फिट हो जाना चाहिए. सो इसकी शेप मुझे अच्छी लगी, ऐसे स्क्वायर शेप है ना, तो ऐसे कॉर्नर प्रॉपर टक करके फिट आ जाएगा और अच्छा भी लगेगा, एस्थेटिक भी लगेगा. और जो भी कूड़ा वूड़ा होगा सब इसमें भर दो, गेस्ट आते हैं अपना रूम साफ लगता है और एकदम से. एंड फाइनली कमिंग टू द ज्वेलरी कैटेगरी, बिकॉज जब ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है तो हम ज्वेलरी को कैसे भूल सकते हैं. सो ये मैंने काफी पहले लिया था, 2-3 महीने पहले लिया था. मैंने आई गेस आपको किसी मंथली फेवरेट में फीचर किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ये है सोलिमो ब्रांड का, जो सोलिमो है वो अमेजोन की अपनी ब्रांड है. ये उसका ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर है, जो दिखता है कुछ इस तरह से. मुझे बहुत टाइम से लेना था, आई वाज थिंकिंग लू ना लू, एंड फिर आई वाज लाइक ले लेती हूँ, बिकॉज ज्वेलरी काफी बार ना रखने का बिल्कुल स्पेस ही नहीं होता. सो उसमें आपको मिलती है जिप, पहले खोल देती हूँ, बिकॉज एक हाथ से ना फिर फंक्शन नहीं हो पाता यार, समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है. और अभी ये काफी हैवी है, बिकॉज मैंने सारे कंपार्टमेंट फिल कर दिए, मैंने अपनी सारी ज्वेलरी इसमें ऑर्गेनाइज करके रख दिया है. आई शो यू. सो इसमें बेसिकली ना आपको ऐसे अलग अलग पाउचेस मिलते हैं, और आप एक एक पाउच को निकाल के ऐसे देख सकते हो. सो मैंने सारी ज्वेलरी को ना ऑर्गेनाइज करके रख दिया है, लाइक एक में अगर दो आ सकते हैं तो दो डाल दिए. तो बॉक्सेस खोलने की जरूरत नहीं है, मैं एक ही बॉक्स खोलूंगी और सब कुछ विजिबल होगा. और ग्रीन कलर मैंने स्पेसिफिकली लिया है, बिकॉज कहते हैं ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट होता है, आप ग्रीन के ऊपर कुछ भी रखते हो तो वो ज्यादा प्रोमिनेंट अच्छे से दिखता है, वो बेसिकली बेटर होता है, आई कैचिंग होता है.
है. सो मैं कभी भी रेडी होंगी ना तो मैं लिटरली अपने सारे पाउचेस निकाल के एक बार चेक कर सकती हूँ और एक ही साथ में मुझे सब कुछ दिख जाएगा कि मुझे कौन सा पहनना है कौन सा नहीं. लाइक लास्ट वाले कंपार्टमेंट में सारी हेयर वाली है तो जितने भी हैं सारे बालों की एक्सेसरीज है सो सारी एक जगह पे भी आ जाती है एंड वेरी इजी टू ऑर्गेनाइज. और इसको आप अगर ट्रैवल करना चाहते हो तो ट्रैवल करके भी रख सकते हो. वैसे ट्रैवलिंग के हिसाब से स्टर्डी नहीं है बिकॉज में कुछ हार्ड लेयर नहीं है बट आई थिंक घर के ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से नॉट बैड. और ऐसे कपड़े पर जब ज्वेलरी रहती है ना तो थोड़ी अच्छी भी रहती है, मतलब ये जल्दी काली नहीं पड़ेगी बिकॉज इसका बेस ऐसा कपड़े वाला बेस है. आई जस्ट शो यू विद फोकस, यू कैन सी एकदम शाइनी शाइनी, थोड़ा सा फोमी फोम जैसा इन्होंने थोड़ा सा स्पंजी दिया हुआ है और अंदर ऐसे चीजें रहती है. 10 आपको मिलते हैं और इसमें जो कंपार्टमेंट है वो फिक्स है, बीच में प्लास्टिक लगी हुई है तो इससे ज्यादा आप नहीं इंसर्ट कर सकते. सो अगर आपको और डालना होगा तो आई थिंक यू नीड टू बाय अनदर लाइक दिस थिंग, बट ओवरऑल आई थिंक आई रियली लाइक. सो दिस वॉज माई अमेजॉन ऑर्गेनाइजेशन एसेंशियल्स हॉल. बहुत टाइम लगा इस वीडियो के लिए बिकॉज इस वीडियो के लिए आइडिएशन, सोचना, फिर शॉप करना, फिर जब घर आता है तो देखना किसी क्वालिटी अच्छी है नहीं अच्छी है. अगर कुछ नहीं अच्छा होता तो मैं रिटर्न कर देती हूँ. मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करती या फिर मैं आपको बता देती हूँ अगर वो रिटर्न उसका अभी तक एलिजिबल होता है. मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये मत लेना. बट आई थिंक इस वीडियो में मैक्सिमम चीज़ें मुझे पसंद ही आई हैं. दे आर गुड क्वालिटी, प्राइस पॉइंट के हिसाब से भी अच्छी है. और प्राइस पॉइंट की जहाँ बात की जाए, प्राइम डे सेल तो चल ही रही है 23 and 24 July, तो ये सब कुछ ना आपको बहुत अच्छी डील पर मिल जाएगा. सो आई थिंक ये सबसे बेस्ट टाइम है अगर आप कुछ भी शॉप करना चाहते हो. ये सब कुछ एकदम बेसिक ऑर्गेनाइजेशन एसेंशियल है जो आई थिंक सबके पास होनी चाहिए. सो डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, नीचे आपको लिंक्स मिल जाएंगे. प्लस आपको मेरा एक स्टोर फ्रंट का लिंक भी मिलेगा, उस पर क्लिक करना. आप क्लिक करके शॉपिंग भी कर सकते हो, आपको सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पे इजिली अवेलेबल होंगे विद प्राइसिंग, तो आपके लिए शॉप करना काफी आसान हो जाएगा. सो प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.